मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, मॉडल वर्ब्स के सही यूजेस कैसे होते हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब से मॉडल वर्ब किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, आज के अपने इस वीडियो में हम मॉडल वर्ब्स के सही यूज करना सीखेंगे। मैं के त्रिपाठी एक बार फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूं, बट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट न्यू वीडियोस एंड सीक्वेंस। मॉडल वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब के एक पार्ट होते हैं, मॉडल वर्ब्स भी एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बट हमें सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स कब यूज करना है, हमें मॉडल वर्ब्स यूज करना है जब हम एक्शन के मैनर के बारे में बात करते हैं, जब हम एक्शन के मोड के बारे में बात करते हैं, तब हम मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं। मॉडल वर्ब्स एक्चुअली किसी भी सेंटेंस में एबिलिटी शो करने के लिए यूज होते हैं, यदि आप पॉसिबिलिटी शो करना चाहते हैं तब यूज करते हैं, अगर आप प्रोबेबिलिटी यूज करना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी को शो करना चाहते हैं तब आप यूज करते हैं, जब आप परमिशन की बात करते हैं किसी सेंटेंस में तब आप मॉडल वर्ब यूज करते हैं, या जब आपको सेंटेंस में ऑब्लिगेशन के बारे में बात करना होता है, आप ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तब आप यूज करते हैं मॉडल वर्ब्स। अब हमें यह पढ़ना है कि एबिलिटी के लिए कौन से मॉडल वर्ब्स यूज करना होगा, पॉसिबिलिटी के लिए कौन से मॉडल वर्ब्स यूज करना होगा, प्रोबेबिलिटी के लिए कौन से मॉडल वर्ब्स यूज करना होगा, इसी तरीके से परमिशन एंड ऑब्लिगेशन के लिए कौन सी मॉडल वर्ब्स यूज करनी होती हैं। हम अगर ये चीज जान गए तो आपका मॉडल वर्ब्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, पहले सबसे दो बहुत ही कॉमन मॉडल वर्ब से, ये यूज होते हैं परमिशन के लिए। परमिशन का मतलब होता है आज्ञा लेना, परमिशन का मतलब होता है जब आप किसी से आज्ञा लेते हैं तो उस समय उस सेंटेंस में कौन से मॉडल वर्ब्स आपको यूज करने हैं। दो बहुत ही कॉमन मॉडल वर्ब्स हैं, मे एंड कैन। अब हिंदी में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसके लास्ट में सकता होगा, जिसको हम बोलते हैं सकना, कैन। कैन यूज करेंगे उसके लिए भी हिंदी के लास्ट में सकता या सकना यूज होता है। हिंदी में दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, सकता, बट इंग्लिश में इस एक वर्ड के लिए दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, दो मॉडल वर्ब्स आते हैं। अब यहां पर कंफ्यूजन थोड़ा सा ये है कि हमें मे यूज करना है या कैन यूज करना है। मे का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी से परमिशन ले रहे होते हैं। सपोज दैट आप क्लासरूम के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, बट सबसे पहले आपको परमिशन लेना होगा टीचर से, जो टीचर उस समय क्लास के अंदर है आपको उससे परमिशन लेना होगा। तो आपको एक सेंटेंस बोलना होगा, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अगर आप ध्यान देंगे तो हिंदी का जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं इसके लास्ट में एक वर्ड आता है सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। बट क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कैन आई कम इन। मोस्ट ऑफ द पीपल अब इस समय कैन का यूज करते हैं परमिशन के लिए, बट कैन का सही यूज होता है कैपेबिलिटीज के लिए, एबिलिटी के लिए। जब आप अपनी एबिलिटी शो करना चाहते हैं, जब आप अपनी कैपेबिलिटी शो करना चाहते हैं, उस समय आप यूज करते हैं कैन। जैसे कैन यू ड्राइव दिस कार, आपसे कोई पूछ रहा है क्या आप इस कार को चला सकते हो, कैन यू ड्राइव दिस कार। अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आप ध्यान देंगे तो वहां पर भी आता है सकते हो, बट यहां पर हम यूज करेंगे कैन, क्योंकि हम यहां पर परमिशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं कैपेबिलिटी की, क्षमता की, योग्यता की। कैन यू ड्राइव दिस कार, नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं चला सकता। तो परमिशन के लिए दो वर्ड कॉमनली यूज होते हैं, मे
कैन बट कैन बेसिकली यूज होता है एबिलिटी के लिए, योग्यता के लिए। देखते हैं रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए कौन से मॉडल वर्ब्स यूज करनी है। रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए दो कॉमन मॉडल वर्ब्स हैं कुड और वुड। मैं यहां आपको ये कंफर्म कर देना चाहता हूं, ये क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी मॉडल वर्ब्स एक से ज्यादा मैनर को भी एक्सप्रेस कर सकती है, एक से ज्यादा मैनर्स को एक्सप्रेस कर सकती है, बट ये डिपेंड करता है आपके मूड के ऊपर कि आप किस मॉडल वर्ब्स को यूज करना चाहते हैं। ओके, कुड फॉर रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज गिव मी योर नंबर, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं। सो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं कुड। रिस्पेक्ट के लिए वुड भी यूज हो सकता है। वुड यू लाइक टू गो देयर, क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे। अब आप कुड की बजाय अगर वुड का यूज करते हैं तो वुड मोर पोलाइट के सेंस में, बहुत ज्यादा पोलाइटली जब आप किसी से बात करते हैं, किसी से अपने एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे वुड का। अब यही बेसिक डिफरेंस है कुड जनरल वे में। कुड यू प्लीज गिव मी योर नंबर, बट अगर आप वुड यूज करते हैं तो बहुत ही पोलाइट, इसका मतलब कि आप बहुत पोलाइटली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू गो देयर, वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, वुड यू लाइक टू कम विद मी, वुड यू लाइक टू स्पीक ऑन स्टेज। ओके, अब देखते हैं जब आप किसी को एडवाइस देते हैं या जब आप किसी को कोई सजेशन देते हैं उसके लिए कौन से मॉडल वर्ब्स यूज करेंगे। उसके लिए हम यूज करते हैं शुड, चाहिए। हिंदी में कॉमन वर्ड यूज होता है सेंटेंस के लास्ट में चाहिए। अब आप किसी को आप एडवाइस देते हैं, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, ये एक एडवाइस है। ना तो आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना आप उसको परमिशन देते हैं, आप उसको सिर्फ एक एडवाइस दे रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं कि आपको वहां जाना चाहिए। यू शुड गो देयर, जब आप किसी को सलाह देते हैं तो इस केस में आप यूज करेंगे शुड का। यू शुड कंप्लीट योर वर्क, तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए, यह एक सलाह है। यहां आप उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको एक सलाह दे रहे हैं। तो जब आप किसी को एडवाइस देते हैं, आप किसी को सजेशन देते हैं या किसी को आप सलाह देते हैं तो उस केस में इस मॉडल वर्ब का यूज होता है शुड।